नमस्कार। इस वीडियो में हम शॉर्टकट के कुछ नियंत्रण के बारे में जानेंगे जो कि बहुत जरूरी है। इस विंडो को सोर्स विंडो कहते हैं। यहां पर आप अपने वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं। इसे प्रोजेक्ट विंडो कहते हैं। यहां पर आपकी टाइमलाइन जिस पर काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। इसे प्लेलिस्ट कहते हैं। यहां पर आप अपने सभी क्लिप्स देख सकते हैं। इसे फिल्टर विंडो कहते हैं। यहां से आप अपने क्लिप्स में ऑडियो या वीडियो पर फिल्टर लगा सकते हैं। एक्सपोर्ट, यहां से आपकी फाइनल वीडियो को हम प्रोजेक्ट से बाहर लाते हैं। इसे रीसेंट विंडो कहते हैं। यहां पर आपने जो क्लिप्स इस्तेमाल करी हैं वीडियो एडिट करने के लिए वो देख सकते हैं। इस विंडो को हिस्ट्री विंडो कहते हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट में कब और क्या बदलाव किए हैं यहां पर आप वो देख सकते हैं। इस विंडो को जॉब्स कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी फाइल कितनी एक्सपोर्ट हुई है ये देख सकते हैं। अब हम टाइमलाइन के कुछ नियंत्रण देखेंगे। इसे मार्कर या प्लेहेड कहते हैं। आप यहाँ से अपनी टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। टाइमलाइन में वीडियो और ऑडियो ट्रैक अलग होते हैं। अगर आप वीडियो ट्रैक से ऑडियो ट्रैक पर किसी क्लिप को लेकर जाएंगे तो उस क्लिप का वीडियो चला जाएगा लेकिन ऑडियो वहीं रहेगा। टाइमलाइन पर बिना ऑडियो या वीडियो ट्रैक ऐड किए आप किसी क्लिप को टाइमलाइन पर लाएंगे तो क्लिप अपने आप वीडियो ट्रैक 1 पर चली जाएगी। इसे टॉगल स्नैपिंग कहते हैं। ध्यान रखें कि ये साइन हमेशा ऑन हो। जब आप टाइमलाइन पर किसी क्लिप को हटाते हैं तो ये दो क्लिप्स के बीच जगह नहीं छोड़ती और ना ही क्लिप गलती से कटती है। इसे स्प्लिट कहते हैं। यहां से आप अपनी क्लिप को कट कर सकते हैं। बेसिक वीडियो एडिट करने के लिए ये नियंत्रण काफी है। जैसे जैसे आप अपने वीडियो एडिट करेंगे आपको शॉर्टकट के और नियंत्रण के बारे में पता चलता जाएगा। धन्यवाद।